महिंद्रा राजपक्ष नमस्कार, आयु भवान वणक्कम। एक्सलेंसी, मैं इस वर्चुअल समिट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आपकी पहली ऑफिशियल विजिट भारत में, आपका स्वागत करके हमें बहुत खुशी होती। वह निमंत्रण हमेशा आपके लिए रहेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे खुशी है कि हम यह वर्चुअल समिट कर रहे हैं। इस समिट के लिए आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए बधाई देता हूं। संसदीय चुनावों में SLPP की भारी जीत के लिए भी आपको फिर से बधाई देता हूं। यह ऐतिहासिक जीत जनता का आपके नेतृत्व में विश्वास दिखाती है। भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक, IORA, SAARC मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आपकी पार्टी की हाल ही की जीत के बाद भारत और श्रीलंका संबंधों में एक नए ऐतिहासिक अध्याय को जोड़ने का बहुत अच्छा अवसर बना है। दोनों देशों के लोग नई आशा और उत्साह के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्राप्त मजबूत जनादेश और आपकी नीतियां, उसको संसद से मिल रहे मजबूत समर्थन से हमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद मिलेगी। अब मैं प्रधानमंत्री राजपक्ष जी को अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने के लिए विनंती करता हूं। खासतौर पर नमस्कार सर, शुभ प्रभात। आपको मैं अपनी आज्ञा आभारी प्रकट करना चाहता हूं। आपने मुझे इनवाइट किया था इस प्रकार की द्विपक्षीय मौखिक सम्मेलन के लिए। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये मेरा प्रथम सम्मेलन है। हम एक दूसरे के साथ मिला नहीं, फिर भी हमारे बीच में बहुत पुराने जमाने से घनिष्ठ संबंध है, भ्रातृत्व प्रेम है, वो उसी तरह ही हमेशा ही रहेगा। पूरी दुनिया ये कोविड महामारी के साथ बड़ी संकट में है। भारत और भारत के दोनों देशों के तथा अन्य देशों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार आप लोगों ने काम किया था, मैं उसके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं। चुनाव के बाद श्रीलंका की सरकार को बहुत बड़ा जनादेश मिला था। 71% मत जनता से अभी हमारी सरकार को मिला है। पिछले चुनाव में भी हमें एक जनादेश मिला था, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है। ये शक्ति, ये पावर हमें श्रीलंका की जनता हमें दी है, क्योंकि इसलिए दिया है कि सभी जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और सभी जनता के साथ सहयोग से काम करने के लिए भी हम तैयार हैं।
हमें मालूम है इसके लिए भारत से हमें इसके लिए सहायता जरूर मिलेगी और हमने कोविड से विजय प्राप्त किया था जिसके लिए जनता हमारे प्रति बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हम श्रीलंका के जनता की लोकतंत्र की रक्षा की सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे भी बड़ी संकट आए हम जनता की आर्थिक सेहत शैक्षिक सभी क्षेत्रों की उन्नति करने के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे भी वायरस कोविड महामारी के सामने जिनके पास पैसे कम मिले थे उनकी हमने सहायता की है। जो लोग विदेश में थे वे लोग हम यहाँ बुला लेंगे और हमने बुलाया भी था, उनके लिए भारत सरकार हमारी बहुत सहायता की है। भारत की सरकार से हमें बहुत प्रशंसा मिली और WHO से भी हमें सहायता बहुत मिली और उन्होंने हमारी तारीफ की थी और WHO ने बताया था श्रीलंका एक सुरक्षित एक सुंदर अच्छा देश है जो कोविड महामारी से अब मुक्त है। हमें यह पता है भारत इन सब के लिए हमारे साथ है और हमारी सहायता कर रही है। न्यू डायमंड नौका में जो आग लगी थी उसे बुझाने के लिए हम दोनों देशों के बीच में सहयोग के विकास के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला था। कोविड महामारी के ये वैश्विक महामारी की वजह हमारा अर्थव्यवस्था श्रीलंकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था टूट गई थी, उसे ऊपर उठाने की शक्ति भारत से हम मांग रहे हैं और भारत की सरकार उसके लिए हमें सहायता दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच में धार्मिक संबंधता और पुरानी मित्रता बड़े घोर से सुरक्षा करने के लिए हम वचन दे रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक संबंध बढ़ाने के लिए हमारे पुराने शिष्टाचार से सहनशीलता डेडिकेशन न्यूचावर इन सब के साथ इन सभी चैलेंजेस अभियान जीतने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ इस प्रकार मिलके बात करने का